उधर से दो एमएलए पे एफआईआर हुई है, एक मामन खान को और एक संदीप सिंह पे, एक की अरेस्ट हो जाती है, दूसरे की इन्वेस्टिगेशन। देखिए पुलिस प्रशासन का जो काम है वो पुलिस प्रशासन, मामन खान भी कोर्ट में गए थे, वो भी अपनी अग्रिम जमानत चाह रहे थे, ये भी गए हुए हैं, तो ये भी एक न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस की प्रशासन की प्रक्रिया का हिस्सा है, और पुलिस प्रक्रिया और न्याय प्रक्रिया जो है वो अपने हिसाब में इस हिसाब से जो जो चीज़ें घटित होती हैं उसमें मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट की या उसकी आवश्यकता मुझे लगती नहीं। सर मामू मजिस्ट्रेट को लेकर जिस तरह से रोकथाम के सांसद रवीन शर्मा ने उनका पक्ष लिया कि उनको इस तरह से गिरफ्तार किया जाए, उनका जो मामले दर्ज किए गलत थे, उनका समर्थन किया मामू। एक बार सवाल दोबारा पूछूं, मामू मजिस्ट्रेट की जो गिरफ्तारी है उसको वक्त बताया है अरविंद शर्मा ने, जो रोहतक के सांसद हैं बीजेपी के, और उन्होंने कहा कि मामू मजिस्ट्रेट की जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है और जिस तरह से काम कर रहे थे हम उसके पक्ष में। देखिए हर विषय की पक्ष की हमेशा हर विषय का पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है, और किसी के भी कोई पक्ष में नहीं रहे ऐसा तो कभी भी नहीं होता। हर व्यक्ति के, हर काम के, हर विचार के पक्ष के लोग हैं, जिनको ठीक से जानकारी है कि मोनू मानेसर निर्दोष है तो निश्चित रूप से वो उसका पक्ष लेंगे और उसके पक्ष की बात भी करेंगे। इसलिए अरविंद शर्मा जी ने जो कहा है उनकी जानकारी के हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक कहा है। देखिए भैया पक्ष और विपक्ष तो हर किसी का है। कांग्रेस पार्टी के जब विधायक अंदर जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कितने लोग इससे पहले बोल रहे थे, तो इसलिए हमेशा पक्ष और विपक्ष रहेंगे और पक्ष और विपक्ष में अपने अपनी जानकारी के हिसाब से लोग अपने अपने बयान देंगे। हमको तो दुर्भाग्यपूर्ण ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पत्रकारों की एक सूची जारी कर दी है घमंडिया गठबंधन ने कि इनकी बहस में हम जाएंगे। ये देखिए ना बंटवारा कहाँ तक जा रहा है, कल को नीचे कोई ऐसी सूचियाँ आ गई तो क्या होगा। यानी जो कल तक गोदी मीडिया कहकर निंदा करते थे उन्होंने उसी प्रकार का काम अपनी कलम से कर दिया है, मैं कहूँगा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कोई पक्ष में बोल रहा है, कल आपके आप एक बयान हमारा अच्छा भी साध सकते हो, प्रशंसा कर सकते हो, कल को एक बयान ऐसा भी साध सकते हो जिस पे आप कहो कि भई अच्छा नहीं कहा गया, किसी काम की आप सराहना भी कर सकते हो, किसी काम में कमी भी निकाल सकते हो। इस आधार पर अगर हम पत्रकारों में, अखबारों में, मीडिया चैनलों में अगर बंटवारा करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर जिस तरह से कांग्रेस के नेता या विधायक ये कह रहे हैं कि जो मामन खान है वो पाक साफ है, उन्हें फंसाया जा रहा है, उत्पल अभय चौटाला यही थे, उन्होंने कहा कि भाजपा का षड्यंत्र मुख्यमंत्री। भाई साहब आपके दोनों सवाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक बार वही बात आप अरविंद शर्मा जी के नाम से कर रहे थे, वही बात आप अब कांग्रेसियों के नाम से कर रहे हो। मेरा उत्तर सेम है जो मैंने उस समय दिया कि लोग अपने अपने, हर एक के पक्षकार भी होते हैं, हर एक का विपक्ष भी होता है, लोग अपने अपने पक्ष की बात करते हैं और उसी हिसाब से अपने बयान आते देते हैं। इसलिए जिसको जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पर कई बार बोलता है, कई बार वो अपनी पार्टी या दल के हिसाब से बोलता है। जो बजरंग दल के रोहतक विभाग के संयोजक हैं धीरज वत्स, उन्होंने कल अपनी पूरी टीम के साथ इस्तीफे की घोषणा की है और उन्होंने ये कहा है कि जो भाई बजरंग दल को स्वाभाविक रूप से उनके नेता के गिरफ्तार होने पर नाराजगी जताने का, रोष जताने का, गुस्सा करने का उनका अधिकार हम छीन सकते हैं क्या? जी नेचुरल है, स्वाभाविक है। बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता के साथ उनको अगर ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है, आपत्तिजनक हो रहा है, तो निश्चित रूप से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष आता ही आता है। मेरे बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के साथ कहीं ऐसा होता है तो मुझे भी रोष आएगा ना, इट्स नेचुरल, स्वाभाविक है। नहीं ये बात ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन नहीं बिल्कुल साथ में एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल कर रही है कि जब उनकी जरूरत पड़ी उनको यूज कर लिया और बाद में उनको निकाल लिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए उनके बयान पर तो मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सबको अपनी बात जो है वो नाराज़गी जताने का नेचुरल रूप से, जब किसी भी ऐसे संगठन के लोगों के साथ, उनके नेतृत्व के साथ उनको लगता है अन्याय होता है तो उनका रोष स्वाभाविक है।